आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है आउटरेजियस। तो आइए समझते हैं आउटरेजियस का मीनिंग क्या है, आउटरेजियस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आउटरेजियस का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, आउटरेजियस का एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, आउटरेजियस को हम कैसे एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं सीखते हैं। सबसे पहले आउटरेजियस एक एडजेक्टिव है, इसको हम विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आउटरेजियस का मतलब होता है चौंका देने वाली, मीन्स शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। आउटरेजियस का सिनोनिम्स है शॉकिंग, एट्रोसियस, अपालिंग, हॉरिबल और हाइनस। और इसका एंटोनिम्स है एक्सेप्टेबल, इक्विटेबल और फेयर और ट्राइवियल। देखिए इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल्ड बेलारूस प्लेन डाइवर्जन एन आउटरेजियस इंसिडेंट, मींस अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बेलारूस के विमान के दिशा परिवर्तन को चौंका देने वाली घटना बताया। इस प्रकार आज हम लोगों ने एक नया वर्ड सीखा आउटरेजियस का मीनिंग कौन सा, यह पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या थे, एंटोनिम्स क्या क्या है। अगर आपको भी आउटरेजियस का कोई और एंटोनिम सिनोनिम्स मालूम है या फिर आप सेंटेंस में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बिकॉज जितनी बार आप लिखते हैं रिवाइज करते हैं वो उतने ही लंबे समय तक के लिए जो है आपको याद रहती है।